ये है मुसलमानों हिजरत। हिजरत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत क्यों पड़ी? अल्लाह ने हुक्म हिजरत का क्यों दे दिया? मेरे भाइयों, औलाद को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, अपने पैदाइशी घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, अपने अल्लाह का मोहल्ला को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पर, इस्लाम पर, अल्लाह की खातर पर सब चीज़ों को कुर्बान कर दिया, सब चीज़ों को कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हिजरत ज़रूरत क्यों पड़ी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इलाका, अपना शहर मक्का और खाना काबा को छोड़कर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब आपने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मौत और ज़िंदगी देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई रिस्क देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा इस सूरज को मशरक से निकाल कर मगरब में ग़ुरूब करने वाला और कोई नहीं है, आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, इसे कहते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन जो बुतों को पूजते थे कलमा चुगने लग गया, जो लात उज़्ज़ा मनात की पूजा करते थे उनको सजदा करते थे कलमा चुगने लग गया, मेरे महबूब के अल्फाज चुगने लग गए, वही लोग मेरे नबी के खिलाफ हो गए, सारा इलाका मेरे नबी के खिलाफ हो गए। हत्ता कि आप नमाज पढ़ते हैं ऊपर गोजरी फेंक देते हैं, आप रास्ते में से गुजरते हैं ऊपर आगे रास्ते में जो है कांटे बिछाए जाते हैं, आप गली में से गुजरते हैं ऊपर से कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता है, मेरे महबूब को इतना तंग किया गया तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मेरी खातर पैदाइशी घर को भी छोड़ दो, मेरी खातर मेरे घर खाना काबा को भी छोड़ दो, मेरी खातर खानदान को भी छोड़ दो, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा ले। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह जिस तरह तू राजी है मैं वैसे राजी हूँ, जिस तरह तू राजी है वैसे मैं राजी हूँ, इसे कहते हैं हिजरत। अल्लाह के नबी हुजरे रसूल अपने पैर घर में है, हुजरे मुबारक के अंदर है, हजरत अली के साथ सोए हुए हैं, तो जब काफरों ने मीटिंग की, काफरों ने मीटिंग की, उन्होंने क्या अल्फाज कहे आपस में, मेरा अल्लाह ऐसा आलमुल गैब है, अल्फाज अभी उनके जुबानों पर नहीं आए, अल्लाह ने पहले अल्फाजों को सुन भी लिया, अल्लाह ने वो सारी बातें अपने महबूब को भी बता दी, मेरा मैं अल्लाह ऐसा आलमुल गैब है। अब अबू जहल भी बैठा है, काफर सारे एक घर के अंदर जो है मौजूद हैं, सारे काफर मीटिंग कर रहे हैं, अब उनके जो अल्फाज थे अल्लाह ने उन अल्फाजों को कुरान का हिस्सा बना दिया। अबू जहल कहता है जी बदलाओ मेरे साथियों मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का क्या करना है, अब ये उनकी मीटिंग हो रही है, सारे काफर बड़े खींचड़ किस्म के सरदार, उन्होंने मुख्तलिफ इलाके के अबू जहल ने 100 सरदार इकट्ठे किए कि किसी एक पर हाथ ना आए, फैसला हो रहा है कत्ल करना है या इलाके से निकालना है, बतलाएं उनका करना क्या है। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे ना तो अल्लाह ने उस अल्फाजों को जो है कुरान का हिस्सा बना दिया, मेरे महबूब काफर क्या कह रहे हैं मैं बतलाऊँ आपको, काफर इस यम गुरु भी कल्लाजीना काफर काफर को यक जुलू का व
ये सोचने से कुछ नहीं होगा, मेरे करने से सब कुछ होगा। वयम कुरुल्ला अल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की चाल सबसे बेहतरीन चाल है, अल्लाह की चाल सारी चालों के खालिक है, अल्लाह ने सारा राज फाश कर दिया। मेरा अल्लाह ऐसा पहले आपने जैसे अल्लाह ने राज फाश किया सारा
से कोई इख्तलाफ नहीं है, आपकी जान से कोई इख्तलाफ नहीं। उसे इख्तलाफ है तो आपके कलमे से नहीं, उसे इख्तलाफ है शुरू से, अज़ल से। अब काफरों ने अपने सोने चांदी पैसे सिक्के दिरहम दिनार सारा कुछ अल्लाह के नबी के पास भी रखते थे, सादक और अमीर भी कहते थे आप सच्चे भी हैं, खरे भी हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो करदार के हिसाब से भी कहते थे आप बिल्कुल ठीक हैं, झूठ भी नहीं बोलते, मानते थे। सोचे जरा, पढ़े लिखे हैं, इख्तलाफ किस चीज़ से था? कलमे से। इख्तलाफ किस चीज़ से था? कलमे से था। तो अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने डट कर मुकाबला किया और सहाबा ने भी साथ साथ दिया, तो अल्लाह ने उनके मकाम को कैसा बुलंद कर दिया। ये हिजरत का वाक्य मैं बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के महबूब ने इस्लाम की खातर, अल्लाह की खातर, कलमे की खातर, दीन की खातर घर को भी छोड़ा, खाने काफी को भी छोड़ा, अकाके को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, सब को छोड़कर दीन की खातर, कलमे की खातर हिजरत फरमाई। तो फिर अल्लाह ने कैसे कामयाब हुई? जो साथ जुड़े तो अल्लाह ने उनको भी कितना बुलंद कर दिया। आज हम भी अल्लाह के नबी के साथ जुड़ेंगे तो हमें अल्लाह का इतना बुलंद कर देगा दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी। जो उस वक्त भी जिन्होंने छोड़ा तो मुनाफिक हो गए, जिन्होंने छोड़ा अब्दुल्लाह बिन उबई है, ऊपर ऊपर वाली बातें बंद कर दें, ख़त्म कर दें। जो करना है दिल से करना है, जो करना है दिल से करना है। कुरान की एक आयत पढ़नी है खरे दिल से पढ़े, नमाज पढ़नी है सच्चे दिल से पढ़े, अपने नबी से मोहब्बत करनी है तो सच्चे दिल से करें। ऊपर वाली बातें ना तो दुनिया में कामयाब करेंगी, ना कब्र में कामयाब करेंगी, ना आखिरत में कामयाब करेंगी। आपकी इनमल अमाल बिनियाद, ये मैंने ऐत पढ़ी है कुरान की, इनमल अमाल बिनियाद। एक बंदा पौध के पहाड़ जितना भी खर्चा सदका कर देता है पैसा, नीयत में बट है, नीयत उसकी खरी नहीं है, लोग देखें कितना सलील है, खानदान वाले देखें कैसा पैसे वाला है, धीरे का धीरे रह जाएगा सारा कुछ, मौत के पहाड़ जितना भी पैसा ज़ाया हो जाएगा। एक रुपया भी है ना सच्चे दिल से दिया है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए तो अल्लाह मौत के पहाड़ से भी बढ़ कर उसका अजर देगा, मौत के भी पहाड़ से भी बढ़ कर जाएगा। अब तक हमारे लिए हमारे नबी के सदके में कितनी रहमत है हमारे ऊपर, अल्लाह की, अल्लाह का इतना एहसान है कि अभी हम नेकी करते नहीं हैं, ये सोच भी लिया करें कि अल्लाह मैं, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इतना गरीबों को दूंगा, ज़रूर कहा करो दिल के अंदर, या अल्लाह मेरे पास ऐसा होगा तो मैं ऐसा ज़रूर नेकी वाला काम करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे सदके, मेरे रहमत के सदके, अभी तू नेकी करता नहीं, सोचता है तो अल्लाह की एक नेकी का सवाब दे दो, अभी तो सिर्फ सोचता ही है तो एक नेकी का सवाब तुझे मिल जाए, मिल जाएगा, ये उसकी रहमत है इतनी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जब रात फाश किया, अल्लाह ने, अल्लाह के महबूब ने काफरों की अमानतें हज़रत अली के सुपुर्द की सब्ज चादर में सुला दी, अपनी सब्ज चादर में सुला दिया। हम मानते हैं, मैं तस्लीम करता हूँ हज़रत अली को कि हज़रत अली का इतना मकाम है, इतना रुतबा है, इतनी शान है कि जिसे अल्लाह के नबी ने अपनी सब्ज चादर में सुलाया हो, दूसरी तरफ नज़र को जुड़ाओ ना कि सब्ज रोज़े में भी क़यामत के लिए हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर को साथ सुलाया है। हज़रत अबू बकर अगर सब्ज चादर में हज़रत अली सोते हैं तो इतना मकाम है, तस्लीम करते हैं, हद से ज़्यादा है, कोई हद नहीं है। तो दूसरी तरफ भी तो देखो ना, जो सब्ज रोज़े में साथ सोए हैं तो उनकी शान क्या होगी, उनकी शान क्या होगी। अल्लाह के नबी दरवाज़ा खोलते गए, काफरों को अल्लाह के महबूब नज़र नहीं आते, अब देखना मेरा महबूब किसके दरवाज़े पे जाता है, जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह आलमुल ग़ैब है, अल्लाह को पता था कुछ ऐसे लोग आएंगे क़यामत के नज़दीक जो मेरे हज़रत अबू बकर सदीक को बुरा भला कहेंगे, हज़रत सदीक के बारे में गलत सोचेंगे। अल्लाह ने वो शक ही ख़त्म कर दिया। मेरे महबूब तो सारे नबियों का नबी है, सारे नबियों का से आला नबी है, सारे रसूलों से आला रसूल है, सबसे बड़ी किताब भी मैंने तेरे ऊपर नाजर की है, खातम नबी भी तेरे ऊपर नबूवत ख़त्म है, तेरा मकाम सारे नबियों से ऊंचा है। पर मेरे महबूब, मेरे अबू बकर सदीक के दरवाजे पर जाकर ये शक ही ख़त्म कर दो। अगर मैं अबू
जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो अबू बकर सिद्दीक, जो सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुए वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिसने अल्लाह के नबी के हाथ पर सबसे पहले कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल हुए ये वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। मेरा महबूब बदर में है, तो अबू बकर सिद्दीक साथ बदर में है, मेरा महबूब मौत के मैदान में है तो साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, खैबर के मकाम पर है तो साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मेरे नबी हिजरत वाली रात जो सफ़र करते हैं तो साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, बारह सोर में जाते हैं तो साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना ऊँटनी में मेरा महबूब बैठा है तो साथ पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और मुसलमानों में बात ही खत्म कर दूँ, हुजरे रसूल में रोज़े रसूल में अल्लाह के नबी हैं तो साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक वक्त को आया मुसलमानों जब अल्लाह के महबूब ने चंदे की अपील की कस्बे के लिए, तो मुसलमानों के पास माल बहुत थोड़ा था। पहली अपील की तो हजरत अबू बकर, जिसे जैश उसत भी कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घर का सारा माल लाए कुर्बान कर दिया अल्लाह के नबी के कदमों में लाके रख दिया। दूसरी अपील, तीसरी अपील, चौथी अपील, चौथी अपील पे आप घर के दीवारों में भी माल फेर रहे हैं, आप घर के भी दीवारों में एक सुई से मिली। हजरत अम्मी आयशा ने पूछा अब्बा जान क्या कर रहे हैं, फरमाया अल्लाह के नबी ने अपील की है मुझसे रहा नहीं जा रहा, घर का सारा सामान भी दे दिया, अब मुझे याद एक सुई बची है मैं वो भी देना चाहता हूँ। जो दीवारों में हाथ फेर के वो सुई बची तो हाथ में लगी तो वो भी अल्लाह के नबी के कदमों में लाकर डाल दी। तो फिर पाँचवीं अपील हुई तो सारी रात अबू बकर सिद्दीक को जो है नींद ना, सारी रात मैं अब क्या पेश करूँ अल्लाह के नबी के सामने। तो सुबह हुई जो तन पे जिसम पे कपड़ा था कीमती वो बेच दिया, बेच कर जो है चाट का लबास पहन लिया, और बटन नहीं थे तो पिंगर के कांटों के जो है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको बटन बनाया पिंगर के कांटों को, और इसी कपड़ों में जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हुआ अल्लाह के नबी के सामने। सारा माजरा जब अल्लाह ने देखा तो अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राईल के महबूब को कह दो अबू बकर सिद्दीक के लिए अल्लाह सलाम पेश कर रहा है, अबू बकर सिद्दीक के लिए अल्लाह सलाम पेश कर रहा है, अल्लाह सलाम दे रहा है। उस सहाबी का क्या मकाम होगा जिसको अल्लाह सलाम दे, जिसको अल्लाह सलाम दे उस सहाबी का क्या मकाम होगा। फिर अल्लाह ने किसी और के बारे में इसलिए नहीं कहा इसी यकूल निस्सा भी मेरे भाइयों मुसलमानों अल्लाह ने भी तस्दीक किया है कि मेरा अबू बकर मेरे महबूब का साथी है। इस यकूल निस्सा भी सहाबी तो जानते हैं इतना तो मतलब आता है ना, इस यकूल निस्सा भी दुनिया में सारे जाकर इकट्ठे करो, मौलवी इकट्ठे करो, आलम इकट्ठे करो, कदीर इकट्ठे करो, मुहद्दस इकट्ठे करो, मुफस्सर इकट्ठे करो, उन्हें कहो कि इस आयत का तर्जमा तो पढ़ के दिखाओ कि इसे यकूल निस्सा भी ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मेरे महबूब जो तेरे साथ तेरा साथी है, अल्लाह खुद कह रहा है जो तेरे साथ तेरा दुश्मन नहीं तेरा साथी है, ला तहज़न इन्नल्लाह